बात उस ऑपरेशन की जिसने दुनिया में भारत की इमेज बदल दी। 28 सितंबर की रात जब भारतीय सेना पीओके में पाकिस्तानी आतंकी कैंप को बर्बाद कर रहे थे, तो दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री निवास में पीएम मोदी क्या कर रहे थे, साउथ ब्लॉक में क्या हो रहा था, एनएसए डोवल और रक्षा मंत्री कहां थे, पीएम मोदी को किसके फोन का इंतजार था और जब फोन आया तो पहला शब्द क्या था, आपको पूरी कहानी बताऊं। सितंबर 2016, वक्त सुबह 4:32, सक्सेस। फोन पर एक ओर पीएम नरेंद्र मोदी थे तो दूसरी ओर एनएसए अजीत डोवल। पीएम मोदी ने हेलो बोला तो दूसरी ओर से आवाज आई, सक्सेस। इस शब्द को सुनने के बाद 48 घंटे में पहली बार 30 मिनट के लिए पीएम मोदी सोने गए। दरअसल उरी में आतंकी हमले के बाद से पीएम मोदी पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव था। मोदी केरल की रैली में इसका ऐलान भी कर चुके थे। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पीएम मोदी के इस बयान के बाद इतना तो तय था कि भारत आतंकियों से बदला लेगा, लेकिन कैसे लेगा, कब लेगा, ये तय नहीं था। लेकिन इस बदले के लिए पूरी तैयारी चल रही थी। कूटनीति, रणनीति और सैन्य नीति के तहत सब कुछ किया जा रहा था। पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में 4 मुख्य किरदार थे। पहला किरदार पीएम नरेंद्र मोदी। मोदी को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर आखिरी फैसला लेना था। दूसरा किरदार एनएसए अजीत डोवल। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, अजीत डोवल ये तय कर रहे थे। तीसरा किरदार रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सेना के 3 अंगों के प्रमुखों को तैयार रहने के लिए कहा गया था। चौथा किरदार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। पाकिस्तान को चारों ओर से घेरने के लिए सबसे पहले यूएन में अंतर्राष्ट्रीय मंच से सुषमा ने ही कूटनीतिक वार किया था। अगर कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग थलग कर दें, क्योंकि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। ऐसे शौकीन देशों की पहचान करके उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं। ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यूएन में सुषमा के शानदार भाषण की वजह से पाकिस्तान को दूसरे देशों का समर्थन नहीं मिल पाया। इधर दिल्ली में पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते की समीक्षा की। पीएम मोदी ने कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता है। पठानकोट हमले के बाद बदला लेने की बात कहने वाले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पूरी तरह से खामोश थे। अजीत डोवल पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति बनाने में व्यस्त थे। इस बीच उनकी अमेरिका के एनएसए से बातचीत हो चुकी थी। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत हर बार की तरह बयानबाजी तो करेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होता, लेकिन इस बार तैयारी कुछ और थी। 28 सितंबर 2016 रात 8 बजे, सूत्रों के मुताबिक पीओके में पाकिस्तानी आतंकी कैंप के खिलाफ पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की इजाजत दे दी। अगले 4 घंटे इसकी तैयारी होती रही। रात 12:30 बजे सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त चुना गया। इसकी जानकारी सिर्फ पीएम, एनएसए, रक्षा मंत्री और
आर्मी चीफ को थी। सर्जिकल स्ट्राइक से ठीक पहले एनएसए, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख साउथ ब्लॉक पहुंचे। अगले चार घंटे तक पीओके में भारतीय सेना आतंकियों पर कहर बनकर टूटती रही। बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद एनएसए डोवल ने फोन किया और पीएम से कहा कि ऑपरेशन सफल रहा। आतंकियों पर कार्रवाई के बाद अब कूटनीतिक जीत की बारी थी। सुबह होते ही ऑपरेशन की जानकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को दी गई। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने 22 देशों के राजदूतों को पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया। अमेरिका के एनएसए को अजीत डोवल ने खुद पूरे ऑपरेशन की सूचना दी और इस तरीके से पाकिस्तानी आतंकियों के उरी हमले का बदला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।